बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां समस्तीपुर के हसनपुर स्टेशन पर ट्रेन रोककर सहायक चालक शराब पीने निकल गया, जिसके चलते गाड़ी स्टेशन पर एक घंटे से ज्यादा समय तक रुकी रही। घंटे भर ट्रेन रुके रहने के कारण यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा करना शुरू कर दिया। बाद में जीआरपी पुलिस ने सहायक लोको पायलट को खोजकर गिरफ्तार कर लिया और दूसरे सहायक ड्राइवर को बुलाकर ट्रेन को रवाना किया। दरअसल समस्तीपुर से सहरसा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 05278 जब हसनपुर स्टेशन पहुंची, तब राजधानी एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होने की वजह से कुछ देर ट्रेन को रोका गया। इस बीच ट्रेन का सहायक लोको पायलट कर्मवीर यादव ट्रेन के इंजन से गायब हो गया। राजधानी एक्सप्रेस के गुजर जाने के बाद जब पैसेंजर ट्रेन को सिग्नल दिया गया तो ट्रेन काफी देर तक नहीं चली। इस पर सहायक स्टेशन मास्टर ने वॉकी टॉकी के जरिए ट्रेन नहीं छूटने का कारण पूछा, तब जाकर एएलपी के गायब होने की बात सामने आई। इसके बाद सहायक लोको पायलट की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन काफी देर तक वो नहीं मिला। बाद में वो बाजार की तरफ नशे की हालत में जीआरपी पुलिस को मिला। वो शराब के नशे में इतना धुत था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जीआरपी पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से आधी खाली बोतल शराब बरामद हुई। पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इधर 1 घंटे 7 मिनट तक ट्रेन के रुके रहने पर गर्मी झेल रहे यात्रियों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। बाद में उसी गाड़ी में सफर कर रहे सहरसा के सहायक लोको पायलट को स्टेशन मास्टर ने मेमो देकर ट्रेन को 6:47 पर रवाना किया। इस पूरी घटना के बाद समस्तीपुर रेल मंडल के DRM आलोक अग्रवाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद उक्त सहायक लोको पायलट पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से ये उठ रहा है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद इस लोको पायलट को शराब इतने आसानी से कैसे मिल रही है। इस पूरे मामले ने बिहार के शराबबंदी कानून को एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।